अर्थशास्त्री क्लास में आपका बहुत स्वागत है बेटा। अपन पढ़ रहे थे बजट के अंग, तो अपन बजट के अंग दो प्रकार के होते हैं बेटा। मैंने बताया था आपको इसके पहले वाले उसमें, तो पहला है सार्वजनिक आय और दूसरा है सार्वजनिक व्यय। तो सार्वजनिक आय के अंतर्गत अपन ने पढ़ा था चालू आय प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां। तो चालू आय प्राप्तियों में अपन ने कर के बारे में पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे बेटा तो कर कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ा था। प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर, अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, ये अपन ने बजट में कर के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे गैर कर प्राप्तियां। तो गैर पर जो सार्वजनिक रूप से जो होती हैं गैर कर प्राप्तियां होती हैं वो पढ़ेंगे। सार्वजनिक आय में गैर कर साधन, तो सबसे पहले होता है उसमें गैर कर साधन के अंतर्गत सबसे पहले आता है फीस, लाइसेंस और परमिट। तो बजट में सबसे पहले गैर कर साधन जो अपने सार्वजनिक आय के अंतर्गत है, सार्वजनिक जो गैर कर साधन है वह निम्नलिखित में से पहला है फीस, लाइसेंस या परमिट। तो जो सरकार के गैर आय के एक मुख्य साधन होते हैं, मुख्य साधन शुल्क होते हैं फीस, लाइसेंस या परमिट से प्राप्त होता है। फिर उसके बाद शुल्क, सरकार द्वारा व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली जो सेवाएं होती हैं, सरकार अपन को जो सेवाएं देता है, प्रदान की जाने वाली सेवाएं दिया जाता है, उसके भुगतान को शुल्क कहा जाता है। तो सेलिंग के अनुसार एक परिभाषा दी है, सेलिंग मैन ने अपनी एक परिभाषा दी है। शुल्क उस भुगतान को कहते हैं जो सरकार द्वारा मुख्यतः जनहित के बारे में बार बार की जाने वाली सेवा लागत के रूप में किया जाता है। शुल्क देने वालों को एक विशेष लाभ पहुंचता है या उसको विशेष लाभ पहुंचता है जिसे मापा जा सकता है। उदाहरण ले लीजिए, भूमि की रजिस्ट्री फीस, जन्म मृत्यु दंड रजिस्ट्रेशन फीस, पासपोर्ट फीस और कोर्ट फीस। तो ये जो है उनको सरकार जो अपन को सेवाएं प्रदान करती है उसका अपन जो शुल्क देते हैं उसे क्या कहते हैं, फीस या शुल्क कहते हैं। फिर लाइसेंस या परमिट, तो व्यक्ति अपनी कुछ कार्य करने के लिए, जो व्यक्तियों के कुछ कार्य होते हैं जिनको लिए करने के लिए वह अनुमति लेता है, मतलब लाइसेंस लेता है, तो उसका भुगतान लाइसेंस या परमिट के रूप में, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आयात शुल्क हो गया, लाइसेंस फीस दी जाती है। व्यक्ति कोई विशेष कार्य की अनुमति मतलब जो प्राप्त करता है उसके बदले में सेवाएं प्राप्त होती हैं। उसके विपरीत फीस के बदले में सरकार क्या करता है, जो सरकार से जो सेवाएं प्राप्त हूँ लाइसेंस का उद्देश्य है, जैसे ये अतिरिक्त लोगों के कार्य को नियंत्रित करना, सरकार कुछ लोगों को किसी कार्य करने के लिए अधिकार नहीं देना चाहे तो उन्हें लाइसेंस नहीं दिया जाता, जैसे शराब बेचने का लाइसेंस, सरकार शराब की बिक्री को नियंत्रित करती है। तो ये हो गया अपन पढ़ रहे हैं सार्वजनिक आय गैर कर साधन। अपन ने भी फीस पढ़ा, लाइसेंस तथा परमिट पढ़ा। अब पढ़ेंगे आप एसटी, जिसके बाद होते हैं विशेष अंकन, जुर्माना या जब्ती। पांचवा है सरकारी उद्योगों में आय और उपहार का अनुदान। तो ये क्या है, गैर साधन सार्वजनिक आय, सबको मतलब जो गैर साधन से जो सार्वजनिक आय प्राप्त होती है। फिर एस चीट से तात्पर्य होता है सरकार की उस आय से जो लोगों की संपत्ति से क्या होती है, प्राप्त होती है, इसकी मृत्यु बिना किसी कानून के नियुक्त किए जाते हैं। इसके पश्चात संपत्ति को लावारिस संपत्ति कहते हैं और लावारिस संपत्ति सरकार का जो लावारिस संपत्ति होती है उस पर सरकार का क्या हो जाता है, आधिपत्य हो जाता है। फिर विशेष अंकन, सरकार की गैर कर आय को विशेष अंकन का भुगतान सरकारी कार्यों के फलस्वरूप, जो विशेष अंकन फलस्वरूप किसी संपत्ति सुधार हेतु मूल्य में होने वाले वृद्धि कार्य मालिकों द्वारा सरकार को किया जाता है। इसका अर्थ है कुछ सरकारी कार्य जैसे सड़क निर्माण, सीवरेज व्यवस्था, नालियों का निर्माण, विशेष संपत्ति के मूल्य पर किराए रकम में वृद्धि और सुधार किए गए खर्चे।
खर्चे का कुछ भाग सरकार विशेष अंकन के रूप में क्या करती है, संपत्ति मालिकों से वसूल कर लेती है। और राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक सुधार कार्य किए जाने के फलस्वरूप निजी मूल संपत्ति बढ़ जाती है, जैसे नई सड़क बनाने में सड़क के किनारे बसे मकानों का मूल्य कैसा होता है, बढ़ जाता है, जिसे कहते हैं विशेष अंकन। फिर होता है जुर्माना या जब्ती। जुर्माना और जब्ती भुगतान है जो कानून तोड़ने पर दंड के रूप में क्या करते हैं अपन, मतलब सरकार उससे सरकार को देते हैं। मान लीजिए आप अभी हेलमेट नहीं लगाया, अभी कोरोना में आप अगर मास्क नहीं लगाते हो, तो इन सबके लिए सरकार ने एक राशि, दंडित राशि को क्या किया है, निर्धारित किया है। तो आप कानून तोड़ने पर आर्थिक दंड के रूप में कानून तोड़ने वाले सरकार को क्या देते हैं अपन, जो दंड देते हैं, है ना, कानून तोड़ने वाले दंड को देते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है आय प्राप्त करना। तब सरकार इस तरीके से भी अपनी आय को बढ़ाती है और लोगों को कानून पालन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, या इनका उद्देश्य लोगों को कानून पालन कराने के लिए मजबूर करना। निर्धारण सरकार मनमानी ढंग से निर्धारण का आधार प्रशासनिक लागत नहीं होती, यह सरकार की आय का महत्वपूर्ण साधन नहीं है। फिर इसके बाद है सरकारी उद्यमों से आय। सरकार द्वारा कई प्रकार के उद्यम, सरकार के पास मुख्य तो उसके पास रेलवे, बिजली पूर्ति, कई प्रकार के कारखाने जैसे जंगल खाद्य कारखाने, इंडियन ऑयल, ड्राई स्पार्क आदि के मालिक होते हैं, और इसमें उत्पादन की बिक्री से सरकार को क्या होता है, लाभ के रूप में आय प्राप्त होती है। और इन उद्यमों से प्राप्त आय उत्पादन की कीमत पर निर्भर करती है, कीमत उत्पादन की लागत पर निर्भर करती है। जन उपयोगी सेवाएं जैसे डॉक्टर, बिजली, पानी, कीमत अधिकार सब इसके विपरीत व्यावसायिक उद्यमों और उत्पादन लागत अधिक निर्धारित किए जाते हैं। इनका उद्देश्य होता है सरकार का एकाधिकार होता है, सरकार इनकी कीमत लागत में काफी अधिक निर्धारित कर सकती है, मतलब बिजली पानी और डाक तार इन सब सेवाओं का जो मूल्य है वो कौन निर्धारित करता है, सरकार निर्धारित करती है। और सरकार इन उद्योगों को एकाधिकार लाभ प्राप्त होता है, सरकार को इन सब चीजों से एकाधिकार लाभ प्राप्त हो, सरकार को काफी आय प्राप्त होती है। फिर उसके बाद है उपहार तथा अनुदान। सरकार को प्राप्त होने वाले उपहार, जो सरकार है उसको प्राप्त होने वाले उपहारों में एक देश में कोई भी विशेष विपत्ति जैसे बाढ़, भूकंप, अकाल, युद्ध आदि समय समय पर समाज के नागरिक सहायता के लिए उपहार के रूप में सरकार को काफी धन देते हैं। सरकार विभिन्न देशों और विदेशों से भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी उपहार प्राप्त होते हैं, मतलब अगर कोई देश में कोई आपदा आती है तो एक देश दूसरे देश को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर संस्थाओं को, मतलब जो आर्थिक मदद करती है उसे उपहार के रूप में एक संघीय देश जैसे भारत में स्थानीय सरकारों के सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार का अनुदान प्राप्त होता है। तो अनुदान देश के आर्थिक विकास के लिए क्या है, विपत्ति के समय विदेशों से भी प्राप्त होते हैं। जैसे मान लीजिए विकसित देश, अर्ध विकसित देश अनुदानों के रूप में आर्थिक सहायता देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय होते हैं, तो यूनेस्को और आदि के विभिन्न उद्देश्यों के लिए अनुदान भी होता है। तो जो सरकार अनुदान कर अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी अनुदान क्या करता रहता है, जैसे उनको प्राप्त होते रहते हैं। तो ये क्या हो गया, एक संघीय देश में भारत की स्थानीय सरकार के द्वारा जो आपको सरकार की, मतलब जो आपको पर अगर आपदा आती है तो एक दूसरे देश को मदद करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद करता है, संस्थाओं को क्या करता है, उपहार देता है, तो इसे उपहार तथा अनुदान कहते हैं। इसके बाद है बेटा पूंजीगत प्राप्तियां। अभी आपने पढ़ा सार्वजनिक आय में गैर कर साधन, तो आपने इसको देखा। अब इसके बाद आएगा बेटा पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है। तो सरकार को ऋण प्राप्ति, विशेष अनुदान प्राप्ति, अल्पसंख्यक बचत, प्रोविडेंट फंड, जमा राशि आदि में धनराशि मिलती है,
इसे पूंजीगत प्राप्तियां कहा जाता। विदेशी अनुदान, अल्पसंख्यक बचतें, समान प्रोविडेंट फंड की जमा राशि, जो धनराशि मिलती है उसे पूंजीगत प्राप्ति कहा जाता है। जो सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां होती है वह सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत आता है बेटा आंतरिक ऋण और विदेशी ऋण। तो ये सार्वजनिक ऋण के अंतर्गत सरकार पूंजीगत प्राप्तियों का एक स्रोत सामाजिक ऋण, जिसको ऋण की आवश्यकता हो तो सरकार अपने व्यय को पूरा करने के लिए कई प्रकार के ऋण लेती है और इन ऋणों को सार्वजनिक ऋण कहा जाता है। जैसे टेलर ने एक शब्दों में अपनी परिभाषा दी है कि सार्वजनिक ऋण सरकार द्वारा देश के अंदर विदेशों में बैंकों, व्यावसायिक संस्थाओं और व्यक्तिगत रूप में लिया गया ऊर्जा है। इसके दो है प्राप्ति ऋण के, ऋण प्राप्ति के साधन दो भाग में बांटे गए हैं। तो पहला है आंतरिक ऋण। आंतरिक ऋण मतलब आंतरिक ऋण से ऋण वे होते हैं जो किसी देश के अंदर देश की जनता अथवा बैंक आदि की वित्तीय संस्थाओं को प्राप्त किया जा सकता है और मुद्रा से जिसे प्राप्त होते हैं। इसमें मूलधन तथा ब्याज का भुगतान देश की मुद्रा से किया जाता है। केवल आर्थिक विकास से ही सहायक सिद्ध नहीं होते, देश में आय के समान वितरण और सहायता मिलती है और आंतरिक ऋण देश की आर्थिक विकास के लिए जैसे संकटकालीन अवस्था मांग को पूर्ण करने तक पूर्ण नहीं कर पाते इससे विदेशों से भी ऋण लेते हैं। तो ये हो गई आंतरिक व्यवस्था जो होती है, मतलब अगर आपको आंतरिक ऋण वे होते हैं जिससे देश के अंदर देश की जनता अथवा बैंक द्वारा वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किए जा सकते हैं, ये देश की मुद्रा से ही प्राप्त होते हैं और इसके मूलधन तथा ब्याज का भुगतान मुद्रा में ही किया जाता है। तो ये हो गया आंतरिक ऋण। इसके बाद है विदेशी ऋण। विदेशी ऋण जो वित्तीय व्यवस्था को लिए होते हैं विदेश में, विदेश से जो प्राप्त ऋण होते हैं उसे विदेशी ऋण कहते हैं। फिर है घाटे की वित्तीय व्यवस्था। तो घाटे की वित्तीय व्यवस्था में सरकार पूंजीगत प्राप्तियों का एक महत्वपूर्ण साधन घाटे की वित्तीय व्यवस्था है। जो सरकार है घाटे की वित्तीय व्यवस्था मतलब सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों का एक महत्वपूर्ण साधन है। ये क्या है? घाटे की वित्तीय व्यवस्था। तो भारत में भारत सरकार मतलब जो भारत में सरकार द्वारा बजट में होने वाले घाटे को पूरा करने के लिए भारत में जो बजट घाटे वाले को पूरा करने के लिए निम्न तरीके से अपनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? घाटे की वित्तीय व्यवस्था कहते हैं। तो भारत सरकार बजट में होने वाले घाटे को पूरा करने के लिए निम्नलिखित तरीकों से आपको बता दूं अपनाया जाता है जिसमें घाटे की वित्तीय व्यवस्था कहते हैं। तो पहला है सरकार द्वारा घाटे को पूरा करने के लिए केंद्रीय बैंक से कर्ज लेना, केंद्रीय बैंक को ऋण एवं नए नोट को छाप कर देना। दूसरा है सरकारी खजानों में बढ़ी हुई नगद राशि निकालकर घाटे को पूरा करना। तीसरा है रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई मुद्रा के अतिरिक्त सरकार द्वारा मुद्रा जारी करना, जैसे 1 रुपए का से अधिक का नोट छपवाना। रिजर्व बैंक के अलावा सरकार 1 रुपए से अधिक का नोट छपवा सकती है, उसको अधिकार है। कब? जब वह घाटे पर वित्तीय व्यवस्था पर चल रही है। उक्त तरीकों से देश में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है। भारत में घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अधिकांश भाग रिजर्व बैंक से रुपया उधार लेकर, मतलब अगर देश में घाटे का, भारत में घाटे का वित्तीय व्यवस्था का अधिकांश भाग रिजर्व बैंक से प्राप्त उधार लेकर क्या किया जाता है? पूरा किया जाता है। और भारत में घाटे की वित्तीय व्यवस्था के फलस्वरूप कीमतों में क्या होती है? अगर भारत में घाटे की वित्तीय व्यवस्था हो तो उसके फलस्वरूप क्या होगा? वस्तुओं की कीमत में क्या होगा? वृद्धि होगी, इससे मुद्रा का मूल्य बढ़े। और आपको बता दूं बच्चों, आपने आज बजट के अंग के अंतर्गत आपने पढ़ा सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय के गैर कर साधन पढ़ा, के बाद उसके अंतर्गत आपने पढ़ा फीस, लाइसेंस, परमिट और विशेष आकलन, जुर्माना,
और सरकारी उद्यम और उसके बाद उपहार, ये सब पढ़ा। साधन पर गैर आय के साधन पढ़े बेटा। उसके बाद अपन पढ़े पूंजीगत प्राप्तियां। तो आपको बता दूं पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आपने सार्वजनिक ऋण पढ़ा, उसके अंतर्गत आपने आंतरिक ऋण पढ़ा और विदेशी ऋण पढ़ा। फिर उसके बाद आपने उसी के अंतर्गत पूंजी की प्राप्तियों के अंतर्गत घाटे की वित्तीय व्यवस्था पढ़ी। तो बच्चों घाटे की वित्तीय व्यवस्था क्या होती है, तो उसके बारे में क्वेश्चन इस टाइप से बनता है बेटा, आता है परीक्षा में कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था को समझाते हुए आप उसकी जो निम्नलिखित तरीकों से उसको अपनाया गया है उसको लिखिए। तो कैसी वित्तीय व्यवस्था है उसकी, उसको लिखिए। ये छोटे छोटे प्रश्न है बेटा, आपको परीक्षा की दृष्टि से याद करने हैं और आपको एक बार बुक पे भी ध्यान से देखना है बेटा। धन्यवाद बच्चों।